गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जयकारा पौना हरि जी दा बोल साचे दरबार की जय। सुबह के बज रहे हैं 4:30, मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। अभी मिलते हैं आपसे बाबे और दर्शन कराते हैं आपको भी। कैसे हैं आप सब? मैं आ चुका हूं मंदिर से। मेरे साथ में शेरू इस टाइम वॉक पे जा रहे हैं। मेरे शेरू सुबह के बज रहे हैं 7। तो भाई आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह का ये आदमी हूँ यार, 3 बजे उठ के इतनी एक्टिवनेस, ऊपर से भाई मंदिर जाके नहा धो के जाता हूँ। भाई ऐसी बात नहीं, 3 बजे उठ के नहाता है तुम्हारा भाई। सर्दियाँ निकल गई फिर भी नहाया मैं, काफ़ी बार गया, आज फिर गया था। और भाई अपना माथा टेक के बाबा जी का, अब मैं वापस आया हूँ। अब मैं शेरू को लेके आ गया हूँ। मेरे गले में बबूता लग रही है इस टाइम ब्रो, इसको मतलब, अरे शेरू ने इस कुत्ते के, चलो खेलने देते हैं इनको। तो तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारा काम इस शुद्ध वातावरण का है, फ्रेश एयर का है, जो कुछ लोग मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो भाई जिसको एनवायरनमेंट से प्यार होगा, अपना फ्रेश एयर से, उसको मतलब खुद ब खुद ही यार नेचर से जिसको हो जाएगा, वो खुद ही उठ जाएगा भाई जल्दी। उसको उसके जीवन में सुस्ती और आलस नहीं रहेगा। तो ये बात ट्राई करो गाइस। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहूँगा भाई। ये आपने क्या किया हुआ यार, सारे नेचुरल पानी के जो भी खड़नाड़े भाई, उनमें यार गंद ही गंद दिख रहा है आजकल यार, मतलब बहुत ही गंदा। टूने टोटके वालों से बचो गाइस। मम्मी डाल रही है शेरू को खाना, ब्रेकफास्ट हो रहा है शेरू का, और इस तरफ मैं खिला रहा हूँ दादाजी को। आज बना है साग और साथ में लस्सी, वाह जी वाह। तो भाइयों आपको एक चीज दिखाते हैं। तो इस तरह से जैसे निशान लगाया गया है, देखो ये कितना पतला है, चिलाटू है भाई, छोटा सा। चील ने तो बड़ी, देखो तो सही इसका साइज, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये फिर थोड़ी मोटी है, अरे बहुत ज़्यादा छोटा है। अभी इसका साइज़ देखो कितना पतला है, और इतनी सी है ये सिर्फ। और भाई इस पे ये निशान लगा के चले गए हुए हैं। तो मैं काफ़ी चीलें ऐसी देख रहा हूँ नीचे, वो छोटे छोटे भाई चलाटू हों, भाई इन्होंने निशान लगाए, पता नहीं किसको ठेके दिए हैं इस बार। अपने 2 पैसे के चक्कर में भाई पूरी चील का सत्यानाश हो जाएगा। पहली बात, ये पीछे चलाटू है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसकी देखो भाई कितना पतला है, ये है, और देखो सिर्फ इतना सा है, इतना पतला सा। इसकी सारी ग्रोथ रुक जाएगी भाई, जैसे इसको पत्ती लग जाएगी ना। और क्या पैसे मिलते हैं यार पत्ती के, इससे अच्छा लकड़ी ले लो भाई। जब भी इसकी एज होगी, बड़ा होगा ये चील का पेड़, तो इससे अच्छा तो लकड़ी लेना है इससे। आज इस पे भाई पत्ती लगा देगा वो, तो अपना पैसा अपना टीन भर के ले जाते हैं। उनको क्या मतलब है पेड़ कैसा बने, ये सारा इसका बर्बाद हो जाएगा। और जहाँ तक ये पत्ती का निशान है, उससे नीचे तो ये पेड़ सारा गया, उससे नीचे तो ये किसी काम का रहता नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात तो ये कि जब भी पत्ती लग जाती है भाई, ग्रोथ इतनी कम हो जाती है, पेड़ ख़राब होने लग जाता है चील का। मेरी नज़र में तो एक गलती है, जो बड़े बड़े चील के पेड़ हैं उन पे तो चलो लगाना का मतलब भी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिनके थोड़े थोड़े खेत हैं, मतलब 10-10, 15-15 चीलें हैं, उनको तो भाई कभी भी कोई फ़ायदा ही नहीं है लगवा के, क्योंकि 500-1000 रुपये के पीछे वो अपनी सारी चीलों का सत्यानाश करवा लेंगे। तो मेरी यही राय है भाई, कुछ मतलब ये तो मत लगाओ साल के भाई, 500-1000 रुपये के पीछे तुम अपनी चील ख़राब कर लोगे। तो अगर आपके एरिया में भाई ये सब हो रहा है, तो अपना अपना पत्ती मत लगवाएं, मेरी तो ये राय है। अपने भी भाई ज़्यादा चीलें नहीं है, अपन तो नहीं लगवाएंगे,
आप भी भाई गौर करें इस बात पे। टूने टोटके वालों से बचो गाइस। जी दोस्तों, तो आज हम पहुंच चुके हैं गार्ली, यहाँ है छिंज। आज भाई क्राउड देखो, काफी टाइम के बाद इतना क्राउड देखने को मिल रहा है। भाई अखाड़ा राइए वाले ध्यान दो, हैरी हो रहा भाई, बहुत ही ज्यादा क्राउड। अभी जस्ट पहुंचे हैं और कमेंटेटर इतने बढ़िया हैं भाई, पंजाबी में एकदम कमेंट्री हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है काफी टाइम के बाद। एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, इतना क्राउड देख के भाई अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का नाम और निशान नहीं बचा है। और इसके अलावा एक बात और आपको बता दें कि आज एक छिंज डुगाड़ में भी है, इस करके भी थोड़ा क्राउड में अभी भी हम कह सकते हैं कम क्राउड है, नहीं तो भाई बहुत ही ज्यादा क्राउड इसके हिसाब से काफी टाइम बाद, क्योंकि मेले भी बंद हो गए थे काफी टाइम से, काफी टाइम बाद मेले खुले हैं। मतलब मेले के जो छिंजे होती थी वो अब छिंजे होने लगी, और क्राउड देखो भाई। फूड किंग को दिखा दें एक बार, किंग भाई बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है। ये तो क्राउड का बहुत, क्योंकि आज एक दिन दुगाड़ में भी है, ये तो बहुत ज्यादा क्राउड देखने को मिल सकता था हमें भाई। देखो बहुत सोना मुकाबला, करो फैसले दोस्ती जित हार। और भी कुछ बढ़िया लगेगा तो भाई आपको जरूर दिखाएंगे, अभी जस्ट पहुंचे हैं। चलो फिर हाल ये है कि जलेबियों हो गए 15 मिनट खड़े हुए, और भाई औरतें लगी हैं आगे, औरतों से कोई ना जीत पाए भाई आज तक दुनिया में, यही अपना सीन भी है भाई। पता नहीं कब तक नंबर आएगा यार भाई। एक तो ना बहुत कम दुकानें लग रखी यार, दंगल बहुत बड़ा हो रहा बट दुकानें बहुत कम है। दोस्तों आखिरी कुश्ती होगी आज प्रीतपाल और गणी की, फगवाड़े का प्रीतपाल और गणी, पता नहीं कहाँ का भाई, सॉरी गाइस चंबा का है प्रीतपाल, सॉरी गणी। चलो फिर प्रीतपाल भाई अपना यहाँ पहुंच चुका फगवाड़े का, गणी का वेट हो रहा। अरे कहाँ रहेगा गणी, गुणगान कर रहे हैं यार, दूर भी तो है चंबा का। तो भाई प्रीतपाल जी वेट कर रहे हैं गणी का, काफी भारी शरीर प्रीतपाल का, लाइव कमेंट्री देते रहेंगे आपको। लो भाई गाना गाना लगा दिया है प्रीतपाल के लिए, तब तक वो नाचेंगे, वेट करते हैं तब तक है गणी का। हाँ जी गणी की एंट्री हो चुकी है भाई, वाह जी वाह भाई, दोनों पहलवान, बाकी पूरी कमेटी आ चुकी है भाई, वाह जी वाह भाई। कबड्डी के प्रशंसक भी मैच देख रहे हैं, देखिए नीरज भाई हमारे, हाँ जी अपने भाई सारे लाइव लाइव दंगल दिखाया जा रहा है अपने भाइयों को। देखो भाई देखो, ये भी पहलवानी करते हैं हमारे भाई, बुर्रा दोनों सुपरस्टार मान लें जी। चलो भाई दंगल शुरू हो रहा है, तो चिट्टी काज में भाई हमारा गणी है और काली काज में हमारा है प्रीतपाल। गणी पहलवान हमारे चंबा के और प्रीतपाल फगवाड़ा से। चक दे भटे कहते दिन चंगे आते नहीं लिया पे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई, तो गणी पहलवान को तोड़ रहे हैं प्रीतपाल जी, देखते हैं कितनी देर ये चलेगा, पूरा अपडेट देते रहेंगे आपको साथ के साथ, बने रहिए हमारे साथ। वाह वाह वाह।
बहुत ही भाई, बहुत ही बलशाली भाई प्रीतपाल पहलवान, घनी पहलवान को उठा दिया था अभी। वाह जी वाह, घनी पहलवान भाई एक बार फिर से ऊपर। बहुत मशक्कत चल रही है यार यहाँ, दोनों पहलवान एकदम टक्कर के। वाह जी वाह, चिट्टी कांच भी काली होगी घनी की, पर मुकाबले का अंत ना हो पाया अभी तक। हार मान चुका भाई प्रीतपाल भी, कह रहा खड़ा हो जा भाई तू, फिर लड़ो तेरे से यार। वाह जी वाह, वाह जी वाह, तोड़ ना पाया भाई प्रीतपाल घनी को, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। पानी की ब्रेक हो रही भाई बीच में। मेला भाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, ग्राउंड हो चुका खाली, हाँ बचा सिर्फ दंगल, और दंगल के भाई प्रशंसक देख लो भरे पड़े अभी तक। कमेटी का फैसला यही निकला कि कुश्ती होगी आर पार की, वो कहंदे पूरा स्वाद आ गया आज भाई। कमेटी कह रही कि 10 मिनट की कुश्ती करा दो, और भाई जनता ना मान रही, जनता कह रही आर पार की लड़ाई होगी, घनी का तो ये होम टाउन है। ओहो, ओ स्वाद आ रहा पूरा, वाह जी वाह, चक दो फटे भाई। सामने खड़ा प्रीतपाल छाती ठोक के, घनी पता नहीं क्यों क्यों ना आ रहा भाई, क्या चीज रोक रही घनी को आन से। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, दोनों पहलवान फिर से दंगल में, आर पार की कुश्ती का ना उसमें ढो चुका है। वाह जी वाह, चक दे वाह जी वाह, फिर से भाई फिर से कुश्ती चल पड़ी है। ओ वाह जी वाह, गेर दिया भाई गेर दिया। वो कहंदे जसे पट्टे दिया पूरी फैन दुनिया, प्रीतपाल दिया भी हुनिया गल्ला। वाह जी वाह, ओ नजारा आ रहा पूरा। घनी भाई फिर से नीचे, दर्शक आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं, जानते
ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੌਸਲਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਾਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਹੁੰਦੇ ਲਾਏ ਖੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੀ ਮੋੜ ਖਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਗ ਤੇ ਘੋੜਾ ਯਾਰੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮੱਗ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ ਪਰਵਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਹੈ खत्म कर दिया भाई गणी का शरीर फगवाड़ा के प्रीतपाल ने गणी पहलवान भाई अखाड़ा छोड़ के बार बार बाहर जा रहे हैं धूल चटा दी है फगवाड़ा के प्रीतपाल ने बहुत ही बढ़िया दंगल वाह जी वाह गणी के बस की ना लग रही भाई गणी भाई क्यों बेइज्जती करा रहा हुआ तो भाजी कमेटी का फैसला आ चुका है जो पहला पॉइंट लेके जाएगा वही विजेता कहलाएगा वाह जी वाह जोशते होश का काम है कबड्डी सॉरी कुश्ती भाई क्राउड ना मान रहा क्राउड आर पार की बात कर रहा पर समय बहुत ज्यादा हो चुका है वाह जी वाह जी वाह बहुत ही बढ़िया मुकाबला हां जी तो पहला पॉइंट लेने वाला कबड्डी का मैच जीतूगा सॉरी कबड्डी नहीं कुश्ती का मैच जीतूगा वाह जी वाह चल पी कुश्ती फिर तो वाह जी वाह गणी अब फुर्ती दिखाते हुए चक दो फटे चक दो एक बार फिर से दर्शकों को बता दे सफेद कांच वाला गणी पहलवान है वाह जी वाह जी वाह ओ फाड़ लियो लत फाड़ लियो ए ओहो प्रीत नहीं छड़दा ओ छड़ती ओए छड़ती प्रीता आगी कीता वाह जी वाह ओ गणी पहलवान ने ओ वेरी गुड वाह जी वाह जी वाह इस टाइम जोर पे चलता हुआ मुकाबला भाई बहुत ही बढ़िया ओए प्रीतवाल जीतते हुए भाई बहुत बढ़िया मुकाबला वेरी गुड ओ कहिंदे कौन बाजी जीतदा ते कौन हारदा हां जी दोस्तों ये था मेरा आज का दिन सब्सक्राइब करो लाल बटन दबाओ गाइस आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें बाय लव यू गाइस जी दोस्तों तो सिल्ले लग चुके हैं ये रहे हमारी मेहनत के सिल्ले जैसे मेहनत की कमाई होती है ओ भाई इतना जोर का झटका मारा ना इसने अभी बाजू उतार दी थी पूरी पर हाँ भाई मेहनत के सिले लग चुके हैं नहीं कहावत निकाल दी मैंने भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अपनी फसल देख के चलो नीचे की थोड़ी बर्बाद हुई है पर फिर भी ठीक है काफ़ी बढ़िया रिस्पांस है इस बार बारिशें भी अच्छी हुई हैं तो इस बार मतलब फसल अच्छी हो जाएगी आई होप सो कोई दिक्कत परेशानी ना हो अभी तक तो ओके है सब कुछ
चलो फिर आज भाई, अभी टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, 4:15 हो रहे हैं और भाई शेरू चिल्ला रहा है मेरे को घुमा के लेके आ, मेरे को घुमा के लेके आ। मैं इसको घुमा ले आता हूँ, ज़्यादा ही खाने लग गया यार ये, इन्हें परेशान कर दिया हुआ है। पर चलो छोड़ो फिर मैं क्या घुमा ही देते हैं। आज हो सकता है मैं छिंज देखने जाऊँ भाई, आज गारली में छिंज है और एक डुगाड़ साइड छिंज है, तो देखते हैं कहाँ जाने का प्लान है। पहले इसको घुमा दूँ यार टाइमली। तो ये देखिए गांव में रहने के कितने अत्यंत फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये रही हमारी ऑर्गेनिक हल्दी, हमारी अपनी हल्दी है खेतों की। तो मैक्सिमम चीज़ें यही हैं जो हम ऑर्गेनिक खाते हैं, इनमें से एक हल्दी है। फिर सामने मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ हमारी प्याज की पलीरी लगी हुई है, साथ में बैंगन है, चलो बैंगनों का तो सीज़न रहा नहीं, इस तरफ अपना पुदीना लगा हुआ है, और भी तरह तरह की सब्जियाँ और इस तरह के ज़रूरतमंद चीज़ें हमारे खुद के ही खेतों में उगाई जाती हैं गाइस। तो ऑर्गेनिक की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान है। टूने टोटके वालों से बचो।